अब बात करने वाले 95 से 98 परसेंटाइल वाले वो सभी स्टूडेंट जिनकी भी परसेंटाइल जो रैंक आपको मिल गई है और जिनकी भी परसेंटाइल 95 से 98 परसेंटाइल के बीच में है, तो रैंक भी है आपके पास। और अब ध्यान से समझे कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे होंगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं वही दोबारा से 2023 के डेटाबेसिस के ऊपर कि IIIT भोपाल के अंदर आपको 24,000 के अंदर अगर आपकी रैंक रहती है और IIIT सोनीपत के अंदर आपकी 25,000 और IIIT ऊना के अंदर आपके 27,000, IIIT नागपुर में आपके लिए 27,000 के अंदर और IIIT श्री सिद्धि के अंदर चित्तौर में आपको 27,000 के अंदर, थोड़ा बहुत ही आसपास है क्योंकि 27,288 यहाँ पर और 27,829 है, तो याद रखो कि 500 का डिफरेंस ऑब्वियसली है ही है। और तिरुचिपल्ली के अंदर IIIT के अंदर आपको 28,000 के अंदर बात कर रहे हैं और IIIT कटियानम के अंदर आपका 31,000 के अंदर और IIIT रांची के अंदर आपका 32,000। लेकिन ये जो कॉलेज है आपका हमारे CSE के अंदर ही हमने बात करी, लेकिन ये सभी टीयर 2 के कॉलेजेस आते हैं। तो आपके अगर 95 से 98 परसेंटाइल के बीच में, तो आपको ये सभी, ये जितने भी टीयर 2 वाले कॉलेज हैं आपको ये सभी मिल रहे होंगे। आई होप कि आपको ये वाला डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके कितने परसेंटाइल आई है और आपकी कितनी रैंक आई और आपको इनमें से कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो वो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता रहे होंगे सभी स्टूडेंट। और एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, और IIIT कुरनूल के अंदर हमारा 32,900 और IIIT राजपुर कर्नाटक के अंदर आपका 23,268 के अंदर, तो ये भी दो एक्स्ट्रा कॉलेज है, तो इनको भी अच्छी तरह ध्यान रखें सभी। अब बात मैं करता हूं कि टीयर 3 के अंदर अगर आप जाते हैं, यानी कि आप CSE में ही जाना चाहते हैं लेकिन टीयर 3 वाले जितने भी कॉलेज हैं, तो उसके लिए क्या लास्ट रैंक रहेगी। अगर आपकी रैंक जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स में है, तब हमारे पास क्या बनता है कि IIIT धारवाड में आपको 34,000 पे मिलेगा, IIIT वरादरों के अंदर आपका मिलेगा 34,000 के अंदर 34,862 यहां पर देखने को मिलेगा, और IIIIT आगरा थिला के अंदर आपको 35,000 के अंदर और IIIIT कल्याणी के अंदर आपको 37,000 और IIIIT भागलपुर के अंदर आपको 38,500 के अंदर देखने को मिलेगा और IIIIT मणिपुर के अंदर आपको 46,000 पर आपकी क्लोजिंग रैंक बन रही होगी। मतलब क्या समझ में आता है कि आपकी अगर रैंक 46,000 के अंदर अगर बन रही होती है, तो यानी कि आपको IIIT के अंदर बहुत आराम से एडमिशन मिल रहा होगा, बशर्ते ये है कि वो कॉलेज कौन से होंगे हमारे टीयर 3 के होंगे, यानी कि 34,000 से 46,000 के बीच में 10,000 का गैप अप है, तो टीयर 3 के कॉलेजेस में हम जा रहे होंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो आपके IIIT के अंदर, ये तो CSE के लिए था, CSE के बाद खाली आपको IIIT में ही एडमिशन लेना है, तो वो सभी लास्ट रैंक क्या रहेगी, तो वो भी मैं आपको लेके आ रहा हूँगा, तो सभी बच्चे ध्यान रखें, यानी कि अदर ब्रांचेस में एडमिशन मिलेगा लेकिन CSE नहीं मिल रही होगी, तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आ रही होगी। आपके IIIT के अंदर जितने भी CSE के अंदर आपकी लास्ट रैंक कितनी रह सकती है आपको बता दे, यानी कि 50,000 के अंदर अगर बनोगे तो IIIT के अंदर आपको ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको IIIT में एडमिशन मिल रहा होगा। तो आपके कितनी मार्क्स बन रहे हैं और कितनी परसेंटाइल बनी है, क्या रैंक है, कॉमेंट्स बता रहे होंगे और कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। और इसी के साथ चलते हैं क्योंकि कॉमेंट जरूर करके जाइएगा, तो मुझे लगता है, मुझे पता चलता है कि आपके लिए जो भी डाटा आया है, जो भी चीजें मैं लेके आया हूं, वो आपको काफी अच्छे से पसंद आई है, और इसी के लिए लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।